गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वी आर बैक अगेन। मैम ने आपको लास्ट क्लास में बताया था अबाउट डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। जैसे जन्माष्टमी हमने सेलिब्रेट किया, हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम गुरुपुरब भी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं एंड ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम ये सब रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे ही हमारे कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं। जैसे 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब स्वावलंबी बनना, मतलब सेल्फ डिपेंड बनना। आपको पता है 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों को हमने अपनी कंट्री से दूर भगा दिया था और हम फ्री कंट्री बन गए थे। उस दिन हमें फ्रीडम मिली थी, तभी से हम इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए हैं। एंड कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 15th अगस्त। सो इसीलिए आज मैम आपको इंडिपेंडेंस डे की कुछ एक्टिविटीज कराएंगी। बट इंडिपेंडेंस डे एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैम आपको कुछ नेशनल सिंबल्स के बारे में बताएंगी। जैसे हमारा नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल बर्ड कौन है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आज की एक्टिविटी। दिस इज आवर नेशनल फ्लावर लोटस। आप सबने लोटस देखा है ना, ये पॉन्ड में लगता है। दिस इज आवर नेशनल फ्लावर। व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल? दिस इज टाइगर। यस, टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। आप सबने देखा है ना, जब हम जंगल सफारी के लिए जाते हैं वहां पर टाइगर होता है। हमने जू में भी टाइगर देखा है। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। व्हाट इज आवर नेशनल बर्ड? इट्स पीकॉक। यस, पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। मैम ने बताया था रेनी सीजन में पीकॉक आते हैं, डांस करते हैं, है ना? इट लुक्स अ ब्यूटीफुल आल्सो। सो आवर नेशनल बर्ड इज पीकॉक। दिस इज आवर ट्राई कलर नेशनल फ्लैग। इसमें टॉप पर ऑरेंज कलर होता है, जो हमारी आर्मी की करेज, उसकी ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। सेंटर में इसमें व्हाइट कलर है, जो कि पीस को रिप्रेजेंट करता है। मीन सब तरफ शांति और पीसफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसमें बॉटम पे ग्रीन कलर है, दैट रिप्रेजेंट वी शुड हैव ग्रीनरी एवरीवेयर, विच इज अ साइन ऑफ हेल्थ। ग्रीनरी इज अ साइन ऑफ हेल्थ ना, सब तरफ हरा भरा होना चाहिए। इसमें हमारे नेशनल फ्लैग में जो सेंटर में अशोक चक्र है ब्लू कलर का, इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। स्पोक्स का मतलब है जो बीच में हमें सेंटर में लाइनें दिखाई दे रही है ना, जो हमारे आउटर सर्कल को टच कर रहे हैं अशोक चक्र के, ये 24 होते हैं। दिस अशोक चक्र रिप्रेजेंट द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ द कंट्री। मतलब हमारा कंट्री कितना प्रोग्रेसिव है, कितना तरक्की कर रहा है, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन अखिनायक जय हित भारत धा विधाता, पंजाब से मुझे लाल मराता, बाहिल उच्चल बंगा बिंद हिमाच यमुना गंगा, उच्चल तरंगा तब सुपना में जागे, तब सुपना मिस अधिनायक अधिनायक जय है
जय।